Kashmir, known for its exquisite valleys and scenery, in recent years made a name for itself in trout farming. Because of abundance of the fish, a large number of locals and foreigners have started indulging in trout farming. The breeding of trout fishes is taking place in Laribal Fisheries Farm, which is situated at Tachigram National Park. इस साल हमें ये बहुत ही अच्छा रहा, हमें बहुत अच्छी सीड्स मिले, बहुत खूबसूरत अंडे मिले हैं। और जैसा कि हमारा ये ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है 15 नवंबर से और ये लास्ट करता है अप टू मिड मार्च। हमें इस साल बहुत मेहनत करनी पड़ी, मुलाजमों को बहुत वर्कआउट करना पड़ता है, तब जाके रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। इसमें बहुत हमें केयर करना पड़ता है, हमें वहाँ पे मास्क लगा के जाना पड़ता है ताकि ये एग्स जो हैं ये इफेक्ट ना हो, इनका जो साइकिल है वो बराबर मेंटेन रहे। ब्रीडिंग इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस बिकॉज इवन अ मिनिस्क्यूल मिस्टेक कैन इफेक्ट फिश प्रोडक्शन। देयरफॉर ड्यूरिंग ब्रीडिंग ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स आर टेकन। इसका तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहेगा क्योंकि हमारा इसी के साथ रेवेन्यू टारगेट्स भी सेट होते हैं डिपार्टमेंटली। अगर हमने लास्ट ईयर अगर हमने सपोज 20 लाख का रेवेन्यू दिया है तो इस साल हमने इसमें 10% इनहेंस करना पड़ता है। इस वजह से हमारा ज़्यादा इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना होता है क्योंकि एक तरह से हम सीड प्रोडक्शन देते हैं यहाँ पर, दूसरी तरह से हमारा रेवेन्यू टारगेट्स भी पूरा करना होता है, प्राइवेट सेक्टर में भी इसको सप्लाई देना पड़ता है और यहाँ पर भी इसको हम रियर करते हैं। Trout, both of brown and the rainbow species, are cold water fishes and found aplenty in the river Bias, Satluj and Ravi flowing through Jammu from the upper reaches of Himalayan ranges. Perfect and suitable time for breeding of trout fish starts from November and concludes in the month of March. During these 4 to 5 months, the fisheries department monitor the seedlings very cautiously. Bureau Report, DD News.